इफ यू थिंक पुणे इज़ नॉट पीसफुल सिटी देन यू हैव टू थिंक अगेन। और यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं। सो गाइस, गर्मियाँ आ चुकी है और गर्मियों में हमें खाना चाहिए वेनिला आइसक्रीम, लेकिन ये वेनिला आइसक्रीम नहीं है, ये है दही कर्ड, या फिर आप कह सकते हो योगर्ट। सो कर्ड हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके गट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा। अगर पिंपल्स आते हैं तो कर्ड खाओ, आपके सारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे। सो अभी आपको पता है कि बाहर कैसे हालात चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में खुद को हेल्दी रखने के लिए आपको दही खानी ही चाहिए। सो मैं ये दही ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो दही हो चुकी है ख़त्म और अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक ये है कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए हर हफ्ते एक व्लॉग लेके आऊँगा, लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने के बाद शाम को मैं बैठ के सोच रहा था कि यार मैंने कमिटमेंट तो कर दी है, लेकिन मैं वीडियो क्या बनाऊँगा। और तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और मेरे दिल से एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ को मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने कैमरा में। मैं आपको भी सुनाता हूँ वो आवाज़, आप सुन लो। मंजिल मिलेगी तुझे, तू चल तो सही, वीडियो बन जाएगा तेरा, तू कोशिश कर तो सही। और उस आवाज़ को सुनने के बाद जो मोटिवेशन मिला है ना भाई, ऐसा मोटिवेशन मिला है अब क्या बताऊँ कैसा मोटिवेशन मिला है। और उसी मोटिवेशन के साथ तुम्हारे भाई ने निकाल ली वो जादुई किताब। और फिर तुम्हारा भाई उस किताब में लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। आपको पता है उस किताब में मैंने क्या लिखा? पिछले इतने टाइम से आप जो सुन रहे थे वही लिखा मैंने उस किताब में। इन शॉर्ट, मैंने उस किताब में लिखी इस वीडियो की स्क्रिप्ट। इसका मतलब इस वीडियो की हीरो वो किताब थी जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूम रही थी।